दिलीप साहब के पैर हाथ सब कांप रहे थे। पैरों को सहारा तो दे दिया था व्हीलचेयर ने, लेकिन हाथों को सहारा सिर्फ पत्नी सायरा का था। 98 की उम्र में 7 जुलाई को सुबह 7:30 पर हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए दिलीप साहब का साथ जब दुनिया से छूटा तो दुनिया कैसे रो पड़ी ये सब जानते हैं। अब दिलीप साहब के आंसू बहुत ज़्यादा लोगों को रुलाए थे उस वक्त जब दिलीप साहब हॉस्पिटल से लौटे थे और दिलीप साहब के फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी थी उनकी एक झलक पाने के लिए। व्हीलचेयर पर बैठे दिलीप को जब कार तक ले जाया जा रहा था उनकी पत्नी सायरा ने उनकी मदद की थी। दिलीप साहब उस वक्त काफ़ी तकलीफ में नज़र आए थे। कोशिश उन्होंने की थी हाथ उठाकर अभिनंदन करने की, शुक्रिया अदा फैंस का करने की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही। चाह कर भी ये कोशिश उन्हें आगे नहीं बढ़ा पाई। दिलीप साहब की ये कोशिश नाकाम रही क्योंकि उनके हाथ कांप रहे थे, आंखें भी नहीं खुल रही थी उनकी। बीमारी ने इतना लाचार किया, 90 की उम्र में दिलीप साहब इतना बीमार पड़ने लगे कि उनकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। दिलीप साहब की आंखें भी बंद होने लगी थी। जी हाँ, भारत देश के सबसे बड़े कलाकार, हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े नायक और अपने आप में एक संस्था कहे जाने वाले दिलीप साहब की ये स्थिति हुई थी। आपको बताना चाहेंगे दिलीप साहब काफ़ी तकलीफ में थे और उस वक्त की ये तस्वीर आपको मालूम चलेगी कि दिलीप के हाथ कांप रहे थे, जो हाथ नहीं उठा पा रहे थे वो, आंखें भी कैसे बंद थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।